अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से भाई? लॉन्ग टाइम नो सी वाला सीन अगेन दोबारा हो गया। मैं वापस आ गया हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्स खत्म हुए रिसेंटली और थोड़ा चिल आउट टाइम इन्जॉय करा था अपना। बहरहाल आई एम बैक और इस वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा कि मैं किस हवाले से आज ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी है और काफ़ी सारे लोग नाराज़ भी हो सकते हैं इससे, लेकिन ये रियलिटी और मैं बनाना भी चाह रहा हूँ। लेकिन इसके पीछे क्या वजूहत है उसको आप ज़रा नोटिस कर लें। देखो भाई, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि रात भाई आप बता दें कि कौन से कंसल्टेंट से रब्ता करना चाहिए और हम किससे रब्ता करें पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, जो हमारा केस ले ले और हमारे जो है सारे मामला सेटल कर दे और हमें इटली का वीज़ा लगवा दे, सारे एडमिशन प्रोसेस में अप्लाई करवा दे, स्कॉलरशिप दिलवा दे। तो यार मैं सबको, अगर आप मेरे सारे चैट्स भी चेक करेंगे, किसी से भी आप बात कर सकते हैं, मैंने किसी को भी कोई भी कंसल्टेंट आज तक रेफर नहीं किया। उसकी वजह ये, कोई किसी की आईडी लेकर बैठ गया, कोई किसी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, किसी ने किसी के पैसे दबा दिए हैं, प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर रहा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मनी। तो मैं इस तरह से इस मामले में फंसना नहीं चाहता और मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि वो कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करे। इसलिए इस चैनल का पूरा मकसद यही है कि यार आप सारी की सारी वीडियोज़ खुद देखते रहें, सब कुछ खुद अप्लाई करें और रियलिटीज़ को जानने के बाद हर चीज़ आपके नज़र में आपके पास सामने आ जाए और आप अप्लाई करते रहें। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि यार हम अप्लाई करना चाहते हैं किसी कंसल्टेंट के थ्रू, बिकॉज हम सारा काम खुद नहीं कर सकते। कुछ लोग के पास कैपेसिटी नहीं होती, कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता, कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होती खुद समझने की, खुद करने। तो हर किसी के पास हर तरह की सपोर्ट अवेलेबल नहीं होती। तो उस तरह के लोगों के लिए जिनके पास डेफिनेटली पैसे भी हैं और जिनके पास टाइम भी है, जो रिसोर्सेज अवेल भी करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस तरह के कुछ एटलीस्ट 10 केसेस ले लूँ जिनको मैं पूरा प्रोसेस करवाऊंगा, एडमिशन से लेके, स्कॉलरशिप से लेके, वीज़ा प्रोसेस से लेके, और इवन अगर इटली में आने के बाद भी आपको सर्विसेज चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह मैं सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो ये पूरा प्रोसेस होगा कैसे, उसकी डिटेल्स आप ज़रा इसमें मुलाहिजा फरमाएं। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल कर दिया मैंने। एक सिंपल गूगल फॉर्म है जो मैं इसके साथ लिंक में अपलोड कर रहा हूँ और आपने उस गूगल फॉर्म पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स पुट करनी है, जो कि आपको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे पूरी प्रोफाइल अपलोड करने में। बड़ा सिंपल सा एक बना दिया फॉर्म, उस फॉर्म को भर दें और उसके बाद मेरी टीम खुद ब खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, जिसमें मेरी टीम में मेरे साथ 2 फीमेल शामिल हैं और 2 मेल शामिल हैं। उन तमाम लोगों ने काफ़ी सारे केसेस अपने खुद करवाए हैं। तो गूगल फॉर्म भरवाने की सबसे इंपॉर्टेंट वजह ये, जिन लोगों की प्रोफाइल मुझे लगेगी कि वैलिड नहीं है और उनके पैसे ज़ाया हो जाएंगे या वो अप्लाई करेंगे तो उनके चांसेस कम है, तो मैं उनको ऑटोमेटिकली मना कर दूंगा कि यार आप लोग इसमें अप्लाई ना करें, क्योंकि पैसे भी उनके अटक जाएंगे, उनका टाइम भी ज़ाया होगा, तो उनका काम भी नहीं होगा, तो फिर एक बड़ा ही बैड इंप्रेशन जाता है। जिन लोगों की प्रोफाइल में देखूंगा कि उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो उनको मैं सजेस्ट कर सकता हूं कि यार आप इस तरह के प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। हम उनको बताएंगे ये यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, ये प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। कुछ उनको एडिशनल शॉर्ट कोर्सेज सजेस्ट करूंगा मैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोफाइल बेहतर हो सकती है। वो शॉर्ट कोर्सेज बहुत सिंपल होते हैं, 4-4, 5-5 घंटे के, तो आप 2 से 3 दिन लगाएंगे, आपके पास 2 से 3 सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे, खासतौर पर वो लोग जो बैचलर्स कर रहे हैं या बैचलर की अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि बैचलर के लोगों के पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस नहीं होता, उनकी प्रोफाइल इतनी इस्टेब्लिश नहीं होती, उनके इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं होते, उनका इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं हुआ होता, उनकी इंग्लिश भी मोर और लेस नॉर्मल सी होती, बिकॉज उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ नहीं होता। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूँगा इंप्रूवमेंट इन देयर प्रोफाइल। तो इट्स नॉट अबाउट मिंटिंग मनी, ये पैसे छापने वाला मामला नहीं है, ये मामला ये है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, आपकी प्रोफाइल देख के, आपके इंटरेस्ट से, आपसे बात करके। इट्स सॉर्ट ऑफ कंसल्टेंसी प्लस काउंसलिंग। कंसल्टेंसी तो मिलेगी आपको, लेकिन आपकी काउंसलिंग भी साथ साथ मैं करूंगा, मेरी टीम करेगी, जो कि बहुत इस्टेब्लिश लोग हैं, सब लोगों ने मास्टर्स कर लिया इटली में। लड़कियों के लिए ऑब्वियसली खवातीन अवेलेबल हैं जो उनको गाइड कर सकती हैं, ताकि उनका एक सेफ जोन उनको मिल जाए। यार ये एक पूरा प्रोग्राम जो है ना मैं लॉन्च कर रहा हूँ, ताकि इसके थ्रू प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, कंसल्टेंसी मिल सके, सबके एडमिशन अच्छी जगह पर हो जाए जहाँ वो चाहते हैं। सो वो सारी चीज़ें डिस्कशन करने के बाद ही, उनको प्रॉपर ऑप्शन बताने के बाद, उनको उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवाया जाएगा। बाकी कंसल्टेंट की तरह नहीं है, जो मैंने देखा है कि वो सिर्फ उनसे डिटेल्स ले लेते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स की, और उसके बाद बोलते हैं अब आप खामोश होकर बैठ जाएं, अब आपसे हम 2 महीने बाद रब्ता करेंगे और आपके हाथ में एडमिशन लेटर ला देंगे। फिर आपको वो किसी भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर ला के दे देते हैं और कहते हैं कि यार आप जो है ना बस इसमें आप एडमिशन ले लें। तो आपसे आपकी सारी यूनिवर्सिटी के बारे में राय ली जाएगी, सब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बताई जाएगी, सब यूनिवर्सिटी के बारे में ओपनली हर चीज़ बताई जाएगी कि ये शहर ऐसा है, यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ पर इतनी आबादी है, यहाँ अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह से हैं। वो सारा मशवरा करके सबसे सारा आपसे एग्रीमेंट लेके फिर आपके केसेस अप्लाई किए जाएंगे। तो यार मैंने अभी आपको सारे रीजंस बता दिए कि मैं प्रोग्राम स्टार्ट क्यों करना चाह रहा हूँ और इस प्रोग्राम में कौन कौन सी सर्विसेज आपको मिल सकती हैं और ये प्रोग्राम किस तरह के लोगों के लिए टेलर किया गया, किस तरह के लोगों के लिए बनाया गया है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को जितना फ़ायदा मिल सके उनको इससे फ़ायदा मिल सकता है। इसमें 2 तरह की सर्विसेज मैं देना चाह रहा हूँ। पहली सर्विस है हमारी इंडिविजुअल सर्विसेज, जिसमें हम आपको, या तो आप अगर लेना चाहें सर्विसेज तो आपको सिर्फ एडमिशन प्रोसेस में हेल्प करेंगे और आपका एडमिशन लेटर ला के दे देंगे आपको। सेकंड, उसके बाद स्टेप आता है स्कॉलरशिप का, तो अगर आप चाहते तो आपकी स्कॉलरशिप में भी हम अप्लाई कर देंगे, उसके डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। थर्ड, आपका वीज़ा प्रोसेस, अगर आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो हम आपको वीज़ा में भी सपोर्ट दे देंगे कि आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकें। और आपकी चौथी सर्विसेज हैं आफ्टर योर अराइवल इन इटली, तो उसमें आपको अगर अकोमोडेशन के लिए हेल्प चाहिए, उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए हेल्प चाहिए, उसमें आपको इनरोलमेंट के लिए हेल्प चाहिए यूनिवर्सिटी में,
वो सारी की सारी सर्विसेज भी हम लोग देने के लिए तैयार हैं, बिकॉज हम इटली में रहते हैं, इटली में मौजूद हैं, हमें यहाँ की सिटीज़ का पता है, हमें यहाँ के लोगों का पता है, हमें यहाँ के प्रोसेस का पता है, यूनिवर्सिटीज़ का पता है, सो वी नो एवरीथिंग अबाउट इटली। हमें सब नहीं पता, तो एटलीस्ट हमें उन लोगों से ज़्यादा पता है जो इस वक्त पाकिस्तान में बैठ के आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं या कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। नो ऑफेंस टू एनी वन, बट वी नो इट बिकॉज वी आर ऑन ग्राउंड। और दूसरा पैकेज ये है कि यार हम आपको फुल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, फ्रॉम योर एडमिशन टू योर स्कॉलरशिप टू योर वीज़ा प्रोसेस एंड देन टू योर अराइवल इन इटली। मतलब ये चारों चीज़ें मिक्स करके एक पूरा पैकेज बना सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सिंपल हैं, आपके फायदे के हिसाब से देख के बनाई गई है। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड। और हक हलाल के पैसे लगा कर यहाँ पर आएँ भाई, तो समझते हैं कि लोगों के पैसे किस तरह इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको उसी तरह सर्विस दी जाएंगी। सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट क्लियर होगा, हर चीज़ सीधी सीधी रखी जाएगी ताकि बाद में प्रॉब्लम्स ना आए किसी के साथ में, बिकॉज लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे लोग अपने मसले लेकर आते हैं कि यार ये कंसल्टेंट हमारे पैसे खा गए, या कंसल्टेंट हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या कंसल्टेंट ने हमें अभी तक एडमिशन लाकर नहीं दिया, उसने सुहाने ख्वाब दिखाए थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे सुनने में आती हैं, मैं किसी की बुराई करना ऐसा चाहता नहीं किसी का नाम लेकर, बट काफ़ी सारे लोग मुझे बताते होते हैं ये वाली बातें। तो यार सारे के सारा मामला ये है कि भाई अब मैं इसको स्टार्ट करूँ प्रोग्राम को, आप लोग अपनी प्रोफाइल सबमिट करना स्टार्ट करें गूगल फॉर्म पे, मैं उसकी लिंक दे दूंगा यहाँ पे, और अपने बारे में मुझे बताएं ताकि मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर सकूं, और हम ताकि इसको एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट करें, बिकॉज टाइम काफ़ी कम रह गया और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। तो जिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन अभी अवेलेबल है उनका काम अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं एज सून एज पॉसिबल। तो मुझसे रब्ता करें, कोई और आपको क्वेश्चन हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर पूछेगा। सेकेंडली, ये चैनल इस तरह चलता रहेगा, मैं इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहूँगा जो कि मैं अपलोड करता रहता हूँ। अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, इसमें जो भी नई अपडेट्स आती हैं इटली के बारे में, एडमिशन के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, वो चलती रहेंगी। जो लोग खुद अप्लाई करना चाहते हैं वो सौ बिस्मिल्लाह, वो खुद अप्लाई करें, आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। उनकी हेल्प के लिए भी मैं अवेलेबल हूँ। बाकी जो लोग नहीं कर पा रहे हैं खुद से अप्लाई, जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके लिए सर्विसेज ओपन है, वो इसमें अप्लाई करें, रब्ता करें, और इंशाल्लाह मिलकर आपकी प्रोसेस को रॉकेट बनाते हैं, और आप मिलकर इंशाल्लाह आपको एडमिशन दिलवा के इंशाल्लाह इटली में मुलाकात भी करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।